राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तमाम स्कूलों में नर्सरी से पढ़ने वाले पहली क्लास तक के बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि ऑफलाइन माध्यम से नर्सरी और एलकेजी उसी के साथ में पहली कक्षा में एडमिशन आज से शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी स्कूल के बाहर मौजूद है सरकारी स्कूल में नर्सरी एलकेजी और साथ ही में पहली क्लास के जो एडमिशन है उनकी शुरुआत हो चुकी है। अभिभावकों के लिए ये एक बड़ी खबर है। अभी आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी लग चुके हैं, नोटिस भी तैयार किया जा चुका है जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास एडमिशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर आकर स्कूलों में आकर एडमिशन जो अभिभावक है वो करवा सकते हैं। 1 तारीख से 15 तारीख तक का समय जो है ऑफलाइन माध्यम से बताया जा रहा है। साथ ही में समय भी दिया गया जिसमें कहा जा रहा है कि 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का भी समय है। इसके अलावा 11 बजे से भी जो अभिभावक हैं वो स्कूल में आ सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि अगर फॉर्म में किसी तरीके की गलती होती है तो उसमें सुधार के लिए 18 तारीख की डेट को मेंशन किया जा रहा है जहां पर फॉर्म में सुधार भी किया जा सकता है। तो अभिभावकों के लिए ये बड़ी खबर है कि राजधानी दिल्ली में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों सरकारी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं और 15 तारीख तक जो ये एडमिशन प्रक्रिया है वो कायम रहेगी।